हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो चिल्ड्रन, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज लेक्चर? यस, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेक्चर। सो चिल्ड्रन, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड वन स्टोरी। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। इट वॉज 11th अप्रैल 2011। इट वॉज तेजस्विनी 12th बर्थडे। यस किड्स, यहाँ पे एक गर्ल के बर्थडे के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आई नो कि जब आपका बर्थडे भी आता है तो आप कितना एक्साइटेड हो जाते हो, राइट? आपको न्यू न्यू गिफ्ट्स मिलेंगे, मॉम डैड कुछ न्यू लेके देंगे, फ्रेंड्स आएंगे, बर्थडे पार्टी करोगे, राइट चिल्ड्रेन? यस, उसी तरह ये तेजस्विनी का 12th बर्थडे है और डेट मेंशन की गई है 11th अप्रैल 2011। हर फादर गिफ्टेड हर अ ब्यूटीफुल बाइसाइकिल। यस किड्स, तेजस्विनी के डैड ने उसे क्या लेके दिया? एक न्यू चमचमाती बाइसाइकिल, राइट? मतलब साइकिल। इट वॉज अ यूनिक बाइक, ब्लू इन कलर, अ सॉफ्ट सीट एंड अ लिटिल बेल एंड अ रेयर व्यू मिरर। यस किड्स, ये कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं थी, बहुत ही मज़ेदार दिखने वाली और ब्लू कलर की साइकिल थी। ओके, यूनिक थी। यूनिक मतलब सबसे अलग। अ सॉफ्ट सीट, जो उसकी सीट थी जिस पे वो बैठ के चलाते हैं, वो बहुत ही आरामदायक सॉफ्ट थी, नरम। अ लिटिल बेल एंड अ रेयर व्यू मिरर, और जैसे घंटी होती ना बजाने की, उसके पास में वो साइकिल में घंटी भी थी और एक मिरर भी था, ओके, जिससे दिखता है कि पीछे कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, राइट? व्हेन तेजस्विनी सॉ हर न्यू बाइसाइकल, शी सेड वाओ, शी फेल प्राउड। यस, जैसे ही आपको कोई बर्थडे गिफ्ट देते हैं तो आप कितना हैप्पी हो जाते हो, वाओ क्या है क्या है क्या है, उसी तरह तेजस्विनी ने जब देखा उनकी न्यू बाइसाइकिल तो उनके मुंह से क्या निकला, वाओ। शी वॉज वेरी प्राउड, उसे बहुत ही गर्व था। शी प्लेस्ड हर फुट ऑन लेफ्ट पैडल एंड येल्ड, जैसे ही उसने अपना पैर लेफ्ट पैडल पे रखा और जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? वूहू, ओके, क्या चिल्लाया? वूहू, चलो बाइसाइकिल पे राइड कही जाए, अब तो मेरी ही है बाइसाइकिल। शी मूव फास्टर एंड फास्टर, और वो बाइसाइकिल बहुत ही फास्ट फास्ट चलाने लगी। शी वेंट टू द रिवर बैंक, शी इंजॉयड राइडिंग बाइसाइकिल ऑन द रफ पाथ। वो फास्ट फास्ट चला के कहाँ गई? नदी के किनारे गई, और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, रफ रोड, जहाँ पे बहुत पत्थर वगैरह होते, वहाँ पे भी वो गई, सब जगह बहुत ही मज़े से घूमा उसने। शी वॉज राइडिंग एट हर टॉप स्पीड। यस किड्स, और वो अपनी बाइसाइकिल जो है वो एकदम टॉप स्पीड में चला रही थी। जब आप खुश होते हो कैसे चलाते हो स्पीड में, तो उसी तरह तेजस्विनी भी बहुत हैप्पी थी और अपनी बाइसाइकिल इंजॉय कर रही थी। देन शी नोटिस्ड अ रेड बटन नियर द बेल, और बेल के पास में छोटा सा रेड बटन था, तो उसने देखा वो क्या है। वॉट वॉज दैट, शी पुश्ड द बटन, और उसने सोचा ये रेड बटन किस चीज़ का है, चलो मैं प्रेस करके देखती हूँ, और उसने ऐसे प्रेस कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, देयर केम आउट अ बिग फैन आउट ऑफ द रेयर व्हील, और अचानक से क्या हुआ? यस, व्हील के आगे से एक बहुत बड़ा पंखा बाहर आ गया, जैसे हेलीकॉप्टर में होता है ना वैसा। द फैन स्टार्टेड रोटेटिंग, व्रूम व्रूम व्रूम, इट थ्रिल्ड तेजस्विनी, और जो पंखा है वो स्टार्ट हो गया, व्रूम व्रूम व्रूम, ऐसी आवाज दी हुई है यहाँ पे साउंड, और तेजस्विनी थ्रिल्ड मतलब बहुत ही जॉय और एक्साइटमेंट के साथ वो और ज्यादा खुश हो गई। इट थ्रिल्ड तेजस्विनी, शी पैडल्ड द बाइसाइकिल विथ फुल स्ट्रेंथ, और वो पैडल जोर से मारने लगी, बहुत ही अपना बॉडी का स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगा के जोर से उसने पैडल मारा साइकिल को। एंड व्हाट अ मिरेकल, मिरेकल। यस किड्स, मिरेकल मतलब चमत्कार, और जैसे कुछ चमत्कार हो गया, मैजिक हो गया, ओके। व्हाट अ मिरेकल, द बाइक्स फ्रंट व्हील रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन द
रेयर वन, द बाइक वॉज फ्लाइंग नाउ। और अचानक से क्या हुआ, जो व्हील है वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे उड़ते हैं आसमान में, ठीक है। और वो जो साइकिल है वो आसमान में उड़ रही थी, तैर रही थी, जैसे बोट तैरती है ना पानी में, वैसे ही साइकिल आसमान में तैर रही थी, चल रही थी। शी पेडल्ड फास्टर, द बाइसाइकल वेंट अप एंड अप 3, 4, 5, 50 meters। और जैसे ही वो इतना पैडल मारती जा रही थी एंड वो यूज़ करती जा रही थी साइकिल, वैसे वैसे साइकिल और ऊपर जाती जा रही थी। कितने मीटर्स तक वो चली गई, 50 meters तक, ओके। 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 50 meters तक वो ऊपर चली गई। शी वॉज थ्रिल्ड, और वो और भी एक्साइटेड हो गई, बहुत ही खुश हो गई, ओके। नाउ शी वॉज फ्लाइंग, और अब तो वो उड़ रही थी। ओवर द रिवर, ऊपर से जब वो जा रही थी उसे नीचे पूरी पानी नदी दिख रही थी। शी लुक डाउन, ओ इज दैट अ काइट इन द रिवर। और जैसे ही उसने नीचे देखा पानी में, तो उसे लगा कि पानी में एक पतंग है, पर वो पतंग नहीं थी, वो क्या थी, बोट थी, राइट। शी टर्न द हैंडल टूवर्ड्स हर विलेज, और उसने वो हैंडल जो है अपने विलेज, मतलब अपने गांव की ओर मोड़ा कि जाने के लिए, ओके। शी सॉ हर स्कूल, और उसे वहां क्या दिखा, अपना स्कूल जहां वो पढ़ाई करती थी। ओ नो देयर आर सो मैनी लीव्स ऑफ ट्रीज ऑन द रूफ, और उसने देखा कि सबके घरों के ऊपर बहुत सारी पेड़ की पत्तियां थी, ऐसे ऊपर से कचरा हो जाता है, पत्तियां गिर जाती है पेड़ों की, और बहुत मिट्टी भी जम जाती है, राइट। देयर आर सो मैनी लीव्स ऑन द ट्रीज ऑन द रूफ, आई विल क्लीन दैट टुमोरो, और मैं वो सारा कचरा और लीव्स को मैं कल खुद क्लीन करने आऊंगी, शी थॉट, उसने ऐसा सोचा। What else could she see from there? और वो क्या देख रही थी ऊपर से? She was over the farms and fields. और धीरे धीरे देखते ही देखते नीचे खेत आने लगे, बहुत सारे पेड़ आने लगे, right? गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, right? Green fields, और लहराती grass, और चमचमाते खेत सारे fruits के, vegetables के, राइट किड्स। शी वॉज इंजॉइंग द ब्यूटिफुल व्यू, और वो ऊपर से सारा नज़ारा बहुत ही इंजॉय कर रही थी। एंड देन शी नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑन हर वे, और जैसे ही वो ऐसे जा रही थी और सामने से क्या आ रहा था, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पंछियों को क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ओके। Flock of birds on her way, she applied the brakes, the fan stopped and the bike started coming down. और जैसे ही उसने देखा कि सामने से पंछी आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसने ब्रेक मारी, तो ब्रेक मारी तो बाइक जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी, वो जो पंखा था वो स्टॉप हो गया, ओके। वो पंखा स्टॉप हो जाएगा तो बाइसाइकिल उड़ना बंद हो जाएगी ना, उसी तरह। She applied the brakes, the fan stopped and the bike started coming down. Tejaswini closed her eyes and held her handle tightly. और उसने अपनी आईज बंद कर ली टाइटली, और वो नीचे की ओर हैंडल पकड़ के टाइटली आने लगी। But within seconds, धड़ाम, she cried out, oh ma! और थोड़े ही मिनट में, थोड़े ही सेकेंड्स में वो जोर से नीचे गिरी और आवाज आई थड़ाम, और उसने चिल्ला के क्या बोला, ओ माँ। जब लग जाती आप भी ऐसे ही चिल्लाते हो ना, यस, उसी तरह तेजस्विनी में भी चिल्लाया। शी ओपन्ड हर आईज, ओ माई गॉड, और अचानक से उसकी आंखें खुली और ओ माई गॉड उसने बोला, इट वॉज अ ड्रीम, और ये सब क्या था, ये एक सपना था तेजस्विनी का। शी गॉट अप, washed her face and looked into mirror. वो नींद में से उठी और अपना मुंह धोया, ओके, और अपने आईने में मिरर के सामने खड़ी हो गई। इट वॉज अ ड्रीम, बट दिस टाइम आई विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर एवर। और तेजस्विनी ने बहुत ही विश्वास के साथ क्या कहा कि ये तो एक सपना था, ठीक है, बट ये सपना सपना नहीं रहेगा।
शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, और उसने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया। क्या प्रॉमिस किया? आई विल मेक अ बाइक लाइक दिस एंड फ्लाई ओवर माई विलेज। और उसने क्या कहा कि ऐसा ही बाइक मैं अपनी लाइफ में बनाऊंगी और अपने गांव के ऊपर उड़ के जाऊंगी। ऐसा उसने ड्रीम बनाया, ऐसा उसने अपने आप से प्रॉमिस किया। शी स्माइल्ड हरसेल्फ इन द मिरर, और वो आईने में देख के स्माइल करने लगी। सो चिल्ड्रन, कैसी लगी आपको स्टोरी? यस, आई नो कि बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, राइट? हम सबको डे ड्रीम्स आते हैं, हम सबको नाइट ड्रीम्स आते हैं, राइट किड्स? डे ड्रीम्स मतलब कि बैठे बैठे सपने देखना, और नाइट ड्रीम्स मतलब जो हम रात को सोते हैं तब ड्रीम्स आना, सपने आना, राइट? सो जो तेजस्विनी थी वो एक सपना देख रही थी, बट ड्रीम में भी उसने बहुत ही इंजॉय किया, राइट? वो बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी, राइट किड्स? सो उसी तरह उसने वो ड्रीम को अपना मोटिवेशन बनाया, राइट? वो ड्रीम को उसने अपना पूरा करने का सपना बनाया, राइट किड्स? सो उसी तरह जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो हमें पूरा करने का एक सपना देखना चाहिए और अपने अंदर एक जज्बा लाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए माइंड में कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट किड्स? एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू आर पॉजिटिव, करेक्ट चिल्ड्रेन? सो इस स्टोरी के मदद से हमें क्या सीख मिलती है कि जो हम सपने देखते हैं वो हमें पूरे करने के लिए पूरा ट्राई करना चाहिए, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल है या हम ये नहीं कर पाएंगे, राइट किड्स? यस, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन अवर नेक्स्ट इंग्लिश लेक्चर, देयर वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग। मीट मी देयर, टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।